हेलो एवरीवन वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल सो होप सब आप अच्छे होंगे आपके एग्जाम्स जो चल रहे हैं अभी अच्छे हो रहे होंगे तो आज हम जो है आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एम एच आई थ्री ठीक है आपका भी अपकमिंग एग्ज़ाम जो है एम एच आई थ्री का है तो इसीलिए हम जो है एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है एम एच आई थ्री का दैट इज़ रैंकिन ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में तो मे बी आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाए काफ़ी चांसेस हैं तो आई थिंक कि इस पर आपको जो है एक डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए ठीक है आपके साथ तो आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो ठीक है और अगर आपको फ्रेंड्स वीडियोस अच्छी लग रही हैं आपको हेल्प हो रहा है एग्जाम में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है बेल आइकन को प्रेस करें आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और भी वीडियोस जो अपडेट हो रही हैं एंड इनको मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ठीक है तो लाइक uh, like, उससे क्या है मुझे भी मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर वीडियोज़ ठीक है तो आपको अगर जेनली हेल्प हो रहा है तो आप जो है चैनल को और सपोर्ट कीजिए और हम ट्राई करेंगे कि और जो है वीडियोस जो है आपके लिए लेके आए जिससे आपको हेल्प हो तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज़ रैंकियन ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है तो देखिए जब हिस्टोरियोग्राफी की बात होती है आपका एम एच थ्री का इग्नू का जो कोर्स है हिस्टोरियोग्राफी इसमें जब भी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की बात होती है मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग की बात आती है तो लियोपोल्ड वैन रेंके जो थे उनका जो है नेम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं लियोपोल्ड वैन रैंके और इन्हीं के नाम से जो आता है रैंकिन ट्रेडिशन ठीक है तो देखिए एक जो इन पर्सनैलिटी जो एक ह्यूमन जिन्होंने एक पूरा जो है ट्रेडिशन चलाया हिस्ट्रो हिस्ट्री राइटिंग में रैंकिन ट्रेडिशन ठीक है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके हिस्टोरियोग्राफी के लिए ठीक है तो देखिए अब रैंकियन ट्रेडिशन की अगर बात करते हैं सबसे पहले जो हमने देखा कि ये जो लियोपोल्ड वैन रैंके थे उन्होंने स्टार्ट किया रैंकियन ट्रेडिशन ये एक नाइनटीन सेंचुरी के जर्मन हिस्टोरियन थे ठीक है और इन्हें ड्यू टू तो हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इतनी इम्पॉर्टेंट थी इसीलिए इन्हें जो है फ़ाउंडिंग फादर ऑफ एम्पेरिकल हिस्टोरियोग्राफी भी बोला जाता है ठीक है कंसिडर किया जाता है फ़ाउंडिंग फादर ऑफ़ एम्पेरिकल हिस्टोरियोग्राफी अब देखिए इम्पेरिकल हिस्टोरियोग्राफी की इफ़ इफ वी टॉक अबाउट एम्पेरिकल हिस्टोरियोग्राफी ठीक है तो एम्पेरिकल हिस्टोरियोग्राफी बेसिकली क्या होता है हिस्ट्री थ्रू एक्सपीरियंसेस ठीक है हिस्ट्री जो एक्सपीरियंस हुए हैं पास्ट में आपके या सेंसेस के थ्रू आपकी जो आपने एक्सपीरियंस की है वो जो हिस्ट्री की बात हम करते हैं दैट इज़ एम्पेरिकल हिस्ट्री ठीक है history, तो ये जो रैंकियन थे रैंके थे लियोपोल्ड वैन रैंके वें इनको पेरिकल हिस्टोरियोग्राफी का फाउंडिंग फादर जो है कंसीडर किया गया ठीक है तो इनको जो है मतलब जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी भी बिगनिंग होती है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की ठीक है उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर कंसीडर किया जाता है रैंके को ठीक है तो देखिए 1824 में जो है इन्होंने इनकी एक बुक आई थी फर्स्ट इनकी जो बुक आई थी द हिस्ट्री ऑफ लैटिन एंड ट्यूटोनिक नेशंस ठीक है ये आप नेम रिमाइंड मीन्स अपने माइंड में रख सकते हैं द हिस्ट्री ऑफ लैटिन एंड ट्यूटोनिक नेशंस ठीक है Nations, तो इनमें इसमें इन्होंने एक हिस्ट्री के बारे में ठीक है विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री ही हैज गिवन अ स्टेटमेंट ठीक है इन्होंने एक स्टेटमेंट प्रोवाइड किया था ठीक है जो कि एक जस्टिफिकेशन माना जाता है आज के टाइम पे ऑफ एम्पेरिकल हिस्ट्री ठीक है एम्पेरिकल हिस्टोरियोग्राफी बेसिकली तो इन्होंने क्या बोला कि जो हिस्ट्री होती है ना तो हिस्ट्री को एक टास्क दिया हुआ है ऑफ जजिंग द पास्ट ठीक है कि पास्ट को वो जज करे ठीक है फिर जो है Uh, uh, उसके बाद प्रेजेंट को इंस्ट्रक्ट करे जो हमारा प्रेजेंट टाइम है उसको इंस्ट्रक्ट करे फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर एजेस ठीक है तो इस तरह से इन्होंने जो है एम्पेरिकल uh, हिस्ट्री uh, की एक जस्टिफिकेशन के तौर पे जो है ही हैज़ गिवन अ स्टेटमेंट डिफाइनिंग द हिस्ट्री ठीक है तो हिस्ट्री को क्या बोला इन्होंने कि एक हिस्ट्री को टास्क साइन है कि जो पास्ट में हमारे एक्सपीरियंसिस हुए हैं ठीक है उनको देखो उनसे जज करो चीज़ें सीखो ठीक है प्रेजेंट के अकॉर्डिंग उनको इंटरप्रेट करो एंड देन फिर उसको जो है आगे हम कुछ ऐसे डिसीजंस लें जो कि फ्यूचर एजिस के लिए यूज़फुल हो जैसे हम यही बात करते हैं ना कि अपनी पास्ट की गलतियों से सीखो तुम तो अगर कुछ हम पर्सनल लेवल पर और जो है हम नेशनल लेवल पर ठीक है कुछ भी अगर बात है हम बोलते हैं कि हम अपने पास से सीखें ठीक है प्रेजेंट के अकॉर्डिंग उसको देखें इंटरप्रेट करें मॉडिफाई करें एंड देन फ्यूचर के लिए हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकें जो हमारे लिए लाइक द डिसीजंस दैट शुड बी गुड फॉर अस इन फ्यूचर राइट तो यही बात जो थी रैंके ने बोली अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ लैटिन एंड ट्यूटेनिक नेशंस में ठीक है तो अब देखिए जो रैंक uh, ट्रेडिशन की बात है इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे ठीक है हम वो फीचर्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जो है अपने एग्जाम में ज़रूर मेंशन करने होंगे ठीक है अगर ये क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट जो है आइडिया ऑफ हिस्ट हिस्टोरी सिटी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है हिस्टोरी सिटी मीन्स कि पास्ट पास्ट है एंड प्रेजेंट इज़ प्रेजेंट ठीक है तो पास्ट को तुम जो है प्रेजेंट की टर्म्स में मत देखो पास्ट का खुद का एक नेचर है ठीक है सो दैट इज़ आइडिया ऑफ हिस्टोरी सिटी कि पास्ट इज़ हैविंग इट्स ओन नेचर एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट ठीक है तो ये क्या बोलते थे रैंके क्या बोलते थे कि सी जो हिस्टोरियंस हैं जब पास्ट की बात कर रहे हैं वो पास्ट व्हेन दे आर स्टडिंग अबाउट पास्ट ठीक है तो उनको वो टाइम देखना चाहिए उस टाइम पे क्या सिचुएशंस थी ठीक है उस टाइम पे कैसे लोग थे उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट था उस टाइम को देखना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली दे शुड स्टडी द पास्ट ठीक है आज के टर्म्स में नहीं उस टाइम पर कैसे क्या चीज़ें थी ठीक है उसके जो है रेफरेंस में जो है पास्ट को स्टडी करना चाहिए बिकॉज ही सेड कि पास्ट पास्ट जो है इट वाज हैविंग इट्स ओन नेचर उसका खुद का एक नेचर था ठीक है तो वो जो कि प्रेजेंट से डिफरेंट था राइट ठीक है तो इसलिए जो हिस्टोरियन है उनको उस एज के अकॉर्डिंग जो है उस एज का देखना चाहिए कि कैसे कैसे चीज़ें थी उसके अकॉर्डिंग जो है पास्ट को डिगअप करना चाहिए ओके सो दैट इज फर्स्ट फीचर ऑफ रैंकियन ट्रेडिशन द आइडिया ऑफ हिस्टोरिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है देन नेक्स्ट सेकेंड जैसे हमने बोला कि जो रैंकियन थे ठीक है रैंके जो थे ही बिलीव्ड इन इम्पेरेसिस्ट हिस्टोरियोग्राफी राइट द हिस्टोरियोग्राफी बेस्ड ऑन सेंशुअल एक्सपीरियंसेस आपके जो सेंसेस एक्सपीरियंस करते हैं ठीक है ठीके? आप सुनते हो आप देखते हो वो एक्सपीरियंस जो आप करते हो उसके बेस पे जो पास था हिस्ट्री था ठीक है उसमें बिलीव करते थे रैंके तो अब इसीलिए रैंके क्या बोलते थे कि जो हिस्टोरियंस हैं ही हिस्टोरियंस शुड फोकस ऑन द सोर्सेज जो हमारे सोर्सेज हैं हम जब भी आप देखिए जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं हम कोई भी टॉपिक की बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट सोर्सेज कि हाँ ये सोर्सेज हमें बताते हैं इन सोर्सेस के अकॉर्डिंग दिस इज़ द थिंग राइट ठीक है ऐसा पास्ट में हुआ था तो रैंक के भी बोलते हैं कि हमें सोर्सेज को एक्सपीरिय जो है इम्पोर्टेंस देना चाहिए बिकॉज दो सोर्सेज वर बेस्ड ऑन सम एक्सपीरियंसेस राइट ठीक है और उनमें भी जो सोर्सेज में भी ही फर्दर डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन प्राइमरी सोर्सेज एंड द सेकेंड्री सोर्सेज ठीक है उन्होंने क्या बोला कि प्राइमरी सोर्सेज जो हैं उनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए क्योंकि वो प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं वो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज होते हैं जो मे बी मीन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं उस इवेंट में पर्टिकुलर इवेंट में ठीक है और ये जो है एटलीस्ट कॉन्टेम्प्रेरी होते हैं ठीक है थीके? वो सेकेंडरी जो है कि बाद में जैसे आए ठीक है तो वो बोलते हैं कि प्राइमरी को जो है मोर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए एंड प्राइमरी में भी ऐसे सोर्सेज जिनमें डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं इन द इवेंट दे शुड बी गिवन मोर इम्पॉर्टेंस ठीक है तो ये यह यहाँ पे इम्पॉर्टेंस देते हुए सोर्सिस को रैंक के टोल्ड अबाउट द इम्पेसि ट्रडिशन राइट ठीक है और फिर उन्होंने क्या बात की कि हिस्टोरियन जो हैं उनको अपनी इमेजिनेशन वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए ठीक है वो ऐसा नहीं हो कि वो अपनी इमेजिनेशन के बेस पे कुछ हिस्ट्री राइटिंग कर दे नहीं दैट शुड नॉट बी द थिंग सोर्सेज को आप इम्पोर्टेंस दीजिए प्राइमरी को पहले ठीक है देन सेकेंडरी को और प्राइमरी में भी जो डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हैं ठीक है आप उनका इंटरव्यूज उनके क्रॉनिकल्स अगर आपको कुछ वैसा मिलता है उनको ज़्यादा आप जो है इम्पॉर्टेंस दीजिए ठीक है सो दैट वॉज द सेकेंड फीचर ऑफ रैंक ट्रेडिशन एम्पेरिकल फीचर ठीक है एम्पेरिकल अप्रोच ओके देन थर्ड इज़ इम्पॉर्टेंस टू रेफरेंसेस वेरी इम्पॉर्टेंट अब जो रैंके था ठीक है वो रैंके जो थे ही ऑल्सो टॉक्ट अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग रेफरेंसेस अब जैसे हम कुछ भी हम बुक लिखते हैं राइट हम कुछ अगर मान लीजिए कुछ ऐसे कुछ भी हम अगर रिसर्च करके कुछ लिखते हैं राइट ठीक है हमारे ऑथर्स भी जो होते हैं वो रेफ्रेंसिस देते हैं ठीक है कि उन्होंने कौन कौन से सोर्सेज को रेफर किया है सो रैंके ऑल्सो सेट कि इन हिस्ट्री राइटिंग दीज रेफ्रेंसिज आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है क्योंकि फिर उन रेफरेंसेस के बेस पे आप जो है अपनी स्पोर्ट्स अपनी स्टेटमेंट्स को आप सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं एंड इवन अगर रीडर्स होंगे ठीक है कोई आपके वर्क को जो रीड कर रहा है वो क्रॉस चेक भी कर सकता है एविडेंसेस को राइट right? वो बेस्ड ऑन दोज रेफरेंसेस और उससे क्या है और अच्छे से इंटरप्रिटेशन होगी टॉपिक्स की ठीक है व्यूज़ uh, जो है प्रॉपरली और जो है डेवलप होंगे ठीक है तो इस तरह से जो रैंके हैं बोलते हैं कि हिस्ट्री राइटिंग प्रॉपर होगा सो रेफरेंस शुड बी थर्ड फीचर ऑफ रैंकि रैंकिन में डिफ्रेंसियन करते थे ठीक है वो क्या बोलते थे कि जो हिस्टोरियंस हैं ठीक है थेके? उनको अगर उनको कुछ जो है uh, हाइपोथी बिल्ड करना है अपना कुछ उनको इंटरप्रेट करना है देन वो जो है पहले फैक्ट्स को स्टडी करें सोर्सेज को प्रॉपर स्टडी करें उसके बेस पे अपना इंटरप्रिटेशन दें ये नहीं कि उन्होंने पहले ही कुछ अपने माइंड में सेट कर लिया कुछ आ, कि हाँ ये चीज़ तो ऐसे ही है विदाउट स्टडिंग अबाउट द फैक्ट्स ठीक है हमने ऐसे ही अपने माइंड में कुछ एक जो है प्री कंसेप्शन यू कैन से क्रिएट कर ली ठीक है और फिर हम जो है उन... उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए वी आर लुकिंग फॉर द फैक्ट्स ठीक है वैसा नहीं होना चाहिए पहले आप फैक्ट्स को स्टडी करो एंड देन बेस्ड ऑन दो फैक्ट्स ठीक है आप जो है अपना इंटरप्रिटेशन बनाओ तो हिस्टोरियंस को रैंके क्या बोलते थे कि वाइल्ड हिस्ट्री राइटिंग ठीक है आप वेन एवर यू आर डूइंग हिस्ट्री वैन एवर यू राइटिंग हिस्ट्री पहले आप फैक्ट्स को प्रॉपरली स्टडी करो एंड देन ऑन बेसिस ऑफ दो फैक्ट्स ठीक है जो है आप इंटरप्रिटेशन दो बिकॉज फॉर रैंके ठीक है द अल्टीमेट जो इम्पोर्टेंस था दैट इज़ ऑफ इम्पेरिकल हिस्टोरियोग्राफी तभी उनको फाउंडिंग फादर ऑफ इम्पेरिकल हिस्टोरियोग्राफी माना गया ठीक है बिकॉज आप फैक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पे एक्सपीरियंसिस बेस्ड हिस्ट्री होगी राइट तो इस तरह से फैक्ट्स को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे ठीक है तो दीज आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ द रैंकियन ट्रेडिशन ओके देन वी टॉक अबाउट रैंकियन कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस रैंकिंग uh, जो ट्रेडिशन था उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी इन हिस्टोरियोग्राफी ठीक है अब इफ़ वी टॉक अबाउट रैंके ठीक है उनके कुछ मेजर जो वर्क्स हुए हैं दैट इंक्लूड द पॉप्स ऑफ रोम ठीक है हिस्ट्री ऑफ रिफॉर्मेशन इन जर्मनी ठीक है एंड देन जो है ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हुए हैं और इसके बिना भी जो है रैंके ने एक इंस्टीट्यूशन भी सेटअप किया टू तो सपोर्ट मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी बिकॉज वहाँ उस टाइम पे जो है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जो है बिगेन हो रहा था वो फेज़ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का ठीक है तो इन्होंने जो है इंस्टीट्यूशन सेटअप किए फिर ये सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज करते थे रैंके ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल इन यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन एटीन में इन्होंने सेमिनार स्टार्ट किए कि यंग जो रिसर्चर्स हैं इनको ट्रेन किया जाए ठीक है तो अगर हम हिस्टोरियोग्राफी के परस्पेक्टिव से देखें हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से देखें सो दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ओके ठीक है उसके बाद देखिए अब जो रैंकिन ट्रेडिशन था इन्होंने हिस्ट्री को एज अ साइंस भी देखा ठीक है कि साइंस क्या मतलब रिगोरस uh, साइंस देखा कि सिर्फ ये जजमेंट्स वगैरह पे बेस्ड नहीं है स्पेकुलेशंस पे बेस्ड नहीं है ठीक है हम यहाँ पे जनरल लॉज की बात नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल इफ अबाउट साइंस राइट अगर हम सिंपली uh, साइंस की बात करते हैं ठीक है तो कई बार जैसे हमारे जनरल लॉस हैं ठीक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो साइंस में वो चीजें चलती हैं वहाँ पे अप्लाई होता है लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है ठीक है तो बट इन्होंने क्या बोला इन्होंने बोला हिस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ठीक है हिस्ट्री को आप रिगोरस साइंस की तरह देख सकते हैं ठीक है जिधर हमें स्पेसिफिक इवेंट्स को जो है देखना पड़ेगा इवेंट्स की स्पेसिफिक डिटेल्स को वो शूड कंसीडर ठीक है कुछ जनरल लॉज यहाँ पे जो है इंप्लीमेंट नहीं हो सकते बिकॉज सी हिस्ट्री में क्या है ये हमने पहले भी डिस्कस किया एवरी इवेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इवेंट राइट ठीक है यहाँ पे हम ये बात नहीं कर सकते अब लॉ ऑफ ग्रेविटी है सब जगह चलता है राइट ठीक है एप्पल ग्रेविटी से गिर रहे आप अगर गिर रहे हो ग्रेविटी से होगा राइट ठीक है तो ग्रेविटी सबके लिए है बट इन केस ऑफ हिस्ट्री ऐसा नहीं है हिस्ट्री में अगर आप किसी इवेंट्स को कंपेयर करोगे उनकी खुद के जो है कॉजेज uh, होंगे राइट उनका खुद का डिफरेंट सिचुएशंस होंगी तो इसीलिए लिए रैंके बोलते हैं कि हमें यूनिकनेस ऑफ इवेंट्स को जो है वी शुड आइडेंटिफाई ठीक है रैंके के इन्हीं जो जो व्यूज़ थे ठीक है ड्यू टू दीज व्यूज जो हैं रैंके हैड बिकेम वेरी पॉपुलर ठीक है उन्होंने जो है एक नया व्यू प्रोवाइड किया जिससे वो बहुत पॉपुलर हुए और इसी आप देखेंगे बाई एटीन जो जर्मन स्पीकिंग यूनिवर्सिटीज़

यूनिवर्सिटीज में इनकी अप्रोच को फॉलो किया गया ओके सो दैट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रैंकेयन ट्रेडिशन इन हिस्टोरियोग्राफी नाउ विल टॉक अबाउट क्रिटिक्स अब देखिए कोई इम्पॉर्टेंट कुछ गेन कर रहे हैं इंपॉर्टेंस गेन कर रहे हैं पॉपुलर हो रहे हैं कुछ नए व्यूज प्रजेंट कर रहे हैं तो इट इज़ ऑब्वियस कुछ क्रिटिक्स भी क्रिएट होंगे राइट जो उनके साथ कहीं ना कहीं डिसग्री करेंगे ठीक है तो इसी तरह डिस्पाइट ऑफ पॉपुलैरिटी इमेंस पॉपुलैरिटी जो रैंकिन ट्रेडिशन था इट फेस्ड क्रिटिसिज्म टू ठीक है इनको क्रिटिक्स भी मिले देखिए जब आप कुछ व्हेन यू डू समथिंग सिग्निफिकेंट राइट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ करते हैं कुछ आप अच्छा चीज़ करते हैं तभी यू विल गेट क्रिटिक्स राइट तभी आपको कुछ क्रिटिसिज्म भी मिलता है एंड दैट इज़ गुड राइट तो ऐसे ही रैंकिंग जो थे इनको किसी कुछ कुछ हिस्टोरियंस ने क्रिटिसाइज भी किया फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जॉन गुस्टेव ड्रॉयसन ठीक है जॉन गुस्टेव ड्रॉयसन जो है उन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया इस बात आप पे किसी यू आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स कि आप फैक्ट्स को इंपॉर्टेंस दो ठीक है आप बस उनको ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो आप बोल रहे हो हिस्टोरियंस अपनी इमेजिनेशन नहीं कुछ भी नहीं जस्ट यू आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स ठीक है तो ये जो ऑब्जेक्टिविटी वाली आपकी अप्रोच है ठीक है दैट इज़ नॉट राइट फॉर हिस्ट्री ठीक है हिस्ट्री में ऐसा नहीं हो, होना चाहिए तो इन्होंने जो जॉन गुस्टाफ थे ठीक है इन्होंने ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो रैंकिंग टीशन थी इसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया ये स्टॉक की ये जो ऑब्जेक्टिविटी है ये इनइेक्टिव है इनइफेक्टिव है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इनंच ठीक है इनफेक्टिव है इसका कुछ यूज़ नहीं है ठीक है सिमिलरली इसके बिना कुछ और हिस्टोरियंस भी थे फॉर एग्ज़ाम्पल जेकॉब बर्च आ, बर्खाड ठीक है ये थोड़ा प्रनाउंसिएशन आप देख लीजिए ठीक है तो ये जो जेकॉब बर्खाड थे इन्होंने भी जो है ऑगस्टिन थैरी करके एक हिस्टोरियन थे उनको जो है फॉलो किया ठीक है ऑगस्टिन थैरी जो थे लाइक आ, आ, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया ठीक है रैंकियन ट्रेडिशन को एंड जैकॉब जो थे उन्होंने ऑगस्टिन को ही फॉलो किया ठीक है अब जो ऑगस्टिन थेरी थे ठीक है वो आ, आ, क्या बोलते थे कि जो रैंकियन ट्रेडिशन है ये जो है मोरल साइड ऑफ हिस्ट्री राइटिंग को तो देख ही नहीं रहा राइट ये जस्ट इट इज़ व्यूइंग हिस्ट्री एज रिगोरस साइंस बट ऐसा नहीं है ये सिर्फ फैक्ट्स वगैरह के बेस की बात कर हैं ये मोरल साइड ऑफ हिस्ट्री राइटिंग को नहीं देख रहे ये हिस्टोरियंस को इम्पोर्टेंस नहीं दे, दे रहे थैरी व्यूड की जो हिस्ट्री है इट इज़ आर्ट ठीक है ये आर्ट है साइंस नहीं ठीक है आर्ट की तरह है हिस्ट्री नॉट एस साइंस ठीक है इसमें जो हिस्टोरियंस हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज रैंकिंग सेट की हिस्टोरियंस जो है जस्ट फैक्ट्स पर फोकस करें ठीक है अपनी इमेजिनेशन नहीं करें कॉन्ट्रेरी टू दैट थैरी थाट कि नहीं हिस्ट्री इज़ ऑल्सो लाइक आर्ट वहाँ पर जो हिस्टोरियंस हैं उनके स्किल सेट उनका जो अपना खुद का इंटरप्रिटेशन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट ठीक है तो उनकी जो सेंटीमेंट्स उनकी फीलिंग्स हैं हिस्ट्री की ठीक है दे आर ऑल् वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये जैसे आप साइंस की तरह देख रहे हैं ठीक है बट इट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ आर्ट ठीक है हिस्ट्री राइटिंग जो है आर्ट है एक ठीक है तो इस तरह से थैरी जो है आ, आ, उन्होंने डिसग्री किया विद द रैंकिट ट्रेडिशन ओके फिर आप देखेंगे ट्वेंटिय सेंचुरी जैसे आया उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस चैलेंजेस जो है आने लगे ठीक है बिफोर दिस रैंकिट एडिशन ठीक है बहुत सारे हिस्टोरियंस जो है यहाँ पर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे बिकॉज़ क्या हो रहा था उस टाइम पर अगर आप देखेंगे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स फर अक्रिंग ठीक है रेलेटिव जो थ्योरी है आइंसटाइन की थ्योरी ऑफ रेलिटिविटी ठीक है वो जो है नाइन्टीन जीरो फाइव में आ गई थी ठीक है तो वहाँ पर वो बोल रहे थे कि साइंस में भी रेलिटिविटी है राइट right? ठीक है जो जो रिलेटिविटी की थ्योरी आ रही थी बट यहाँ पे जो रैंके थे ठीक है ही कम्पलीटली टॉक्ड अबाउट ऑब्जेक्टिविटी न्यूट्रेलिटी ठीक है तो लोगों ने यहाँ पे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया वो बोल रहे साइंस में भी रिलेटिविटी है तो वाई नॉट इन हिस्ट्री हिस्ट्री भी रिलेटिव हो सकती है हमें जो है पास्ट की टर्म्स में भी देखना चाहिए बिकॉज अकॉर्डिंग टू रैंक अभी हमने डिस्कस किया पास्ट इज पास्ट प्रजेंट इज़ प्रेजेंट राइट बट उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है इट इज़ रिलेटिव कुछ पास्ट की चीज़ें हमें अभी भी इम्पेक्ट कर रही हैं अगर इफ़ वई टॉक अबाउट रिलेटिविटी इन साइंस तो देन वाई नॉट इन हिस्ट्री ठीक है हिस्ट्री इज ऑल्सो रेलेटिव तो कुछ जैसे हिस्टोरियंस थे क्रॉशे कार्ल बेकर कोलिंगवुड ठीक है इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिजम प्रोवाइड किया क्रोशे जो बोलते थे वो क्या बोलते थे कि ऑल हिस्ट्री इज़ कॉन्टेम्प्रेरी हिस्ट्री कॉन्टेम्प्रेरी है ये ऐसा नहीं है पास्ट पास्ट प्रेजेंट प्रेजेंट कुछ रिलेशन ही नहीं है ऐसा नहीं है concern, को देख के ही हिस्ट्री इज़ प्रेजेंट के बेसिस पे भी का देख के भी हम जो है पास्ट को व्यू करते हैं बिकॉज चाहे हम कितना भी ऑब्जेक्टिव हो जाए बट एज हिस्टोरियन इफ यू सी ठीक है हमारे अंदर हमारी कुछ जो है ऑक्युपाइड माइंड होता है हम कुछ जो है व्यूज हमारा भी कुछ माइंड सेट होता है सोचते हैं नेशनलिस्ट अपने राइट क्लोनलिस्ट अपने तरीके से सोचते हैं सो एवरी वन हैज ओन माइंड तो वो कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करेगा ठीक है वो कैसे प्रेजेंट को देख रहा है उसके अकॉर्डिंग वो पास्ट की चीजों को भी देखेगा राइट सो हिस्स अकॉर्डिंग ंग टू करोशी ऑल हिस्ट्री इज कॉन्टेम्प्रेरी हिस्ट्री ठीक है तो नो ऐसा नहीं कि पास्ट इज पास्ट एंड प्रेजेंट इज प्रेजेंट ठीक है वो हिस्टोरियसिटी का आइडिया राइट right? ठीक है उसके बाद कुछ और थिंकर से ठीक है फॉर एग्जांपल कार्ल बेकर ठीक है उन्होंने बोला कि आप जैसे बोल रहे हैं कि फैक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल हिस्टोरियन से इंडिपेंडेंट हैं हिस्टोरियंस शुड नॉट यूज़ देयर इमेजिनेशन ठीक है बस वो फैक्ट्स को देखें बट ऐसा नहीं है कार्ल्स बो कार्ल बोलते कि जो फैक्ट्स हैं वो भी हिस्टोरियन के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करते बिकॉज हिस्टोरियंस ही उनको क्रिएट करते हैं अब देखिए कोई फैक्ट है हिस्टोरियन ने उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया किस तरह से व्यू

तो इसी तरह जो कार थे सिमिलरली जो कार थे कार हिस्टोरियन उन्होंने भी बोला कि नेसेसिटी टू इस्टेब्लिश दिस फैक्ट्स रेस्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ फैक्ट्स डेमसेल्स नॉट ऑन द क्वालिटी ऑफ फैक्ट्स themselves, बट ऑन द प्रायर डिसीजन ऑफ हिस्टोरियन ठीक है हिस्टोरियन पे डिपेंड करता है ये जो फैक्ट्स का क्रिएशन भी होता है राइट उनके माइंड पे डिपेंड करता है ठीक है वो कैसे फैक्ट्स को देख रहे हैं राइट right? वेनएवर जो वो uh, रिसर्च कर रहे हैं हिस्टोरियन वो फैक्ट्स को देखेंगे समझेंगे उनकी जो है माइंड सेट पर डिपेंड करेगा ठीक है तो इस तरह से कुछ हिस्टोरियंस ने क्रिटिक भी प्रोवाइड किया टू द रैंकियन ट्रेडिशन बट स्टिल रैंकियन ट्रेडिशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी हम इस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते ठीक है तो तभी ये जो टॉपिक है इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव एज वेल ठीक है जब भी आप हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं ठीक है तो हमने इसमें सब आ, अभी डिस्कस कर लिया है राइट ठीक है क्या था रैंकिन ट्रेडिशन ठीक है क्या फीचर्स थे फिर उनकी क्या कंट्रीब्यूशंस रही एंड देन क्रिटिक्स क्या थे ठीक है तो ये टॉपिक अभी डिटेल में कवर हो गया है ठीक है बाकी आपको अगर कुछ भी इसमें डाउट्स हैं यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन और यू कैन जॉइन आर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ठीक है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड देखिए कुछ भी होता है सी व्हाट्सएप जो है वहाँ पे आप मुझे आ, आ, ग्रुप पे मैंने रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है बिकॉज क्या है कुछ कई बार प्राइवेसी इशूज़ होते हैं तो स्टूडेंट्स को ही डिस्टर्बेंस नहीं हो तो इसलिए मैंने जो है वहाँ पर व्हाट्सएप इज़ रिस्ट्रिक्टेड कि एडमिन ही मैसेज सेंड कर सकता है बट इट इज़ ड्यू टू प्राइवेसी ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है सबका प्राइवेसी मेंटेन रहे तो मेरे को कोई इशू नहीं है आप व्हाट्सएप कीजिए ठीक है पर्सनली व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पर कुछ भी नोटिफिकेशनस होती हैं विद रिस्पेक्ट टू चैनल ठीक है to, uh, channel, कुछ वीडियोज़ अपडेट हो रही हैं या फिर मैं कुछ नोट्स का अपडेशन देना है कुछ भी है वो होते है. तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं बट इफ़ यू वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप ठीक है आप जो है पर्सनली uh, मैसेज कर सकते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ठीक है सी अभी मैं जितना मैक्मम ट्राई होता है आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू यू गाइज ठीक है आपने देखा भी होगा तो कई बार कुछ मिस भी हो जाता है क्योंकि कई बार टाइम नहीं उतना होता ठीक है बट आई ट्राई मैक्मम फ्रॉम माई साइड ठीक है तो आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो आई ट्राई कि मैं मैक्सीम आपको हेल्प करना uh, करूँ ठीक है तो बाकी इसके बिना फ्रेंड्स अभी हम जो है ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं फॉर फर्स्ट ईयर फॉर सेकंड ईयर ठीक है अगर आपको वो ज्वाइन करनी है क्लासेस ठीक है आप तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप ठीक है जो मे नंबर है आई शेयर इन द डिस्कशन दैट डिस्कशन बॉक्स ओके वहाँ पे मैं नंबर शेयर कर दूंगी आपको जो है व्हाट्सएप uh, पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस ठीक है कुछ भी डिटेल्स चाहिए वो वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा कैसे क्या क्लासेस होंगी लाइव क्लासेस विल बी देयर ठीक है और आपको जो है विद रिस्पेक्ट टू इग्नू आपको प्रॉपर प्रेपरेशन करवाई जाएगी आपको लिटरली मीन्स आपको ऐसा होगा एग्जाम से पहले कोई स्ट्रेस नहीं ठीक है सब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पे कवर करवाए जाएंगे ठीक है सो फॉर दोज क्लासेस यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप तो चलिए अभी हम क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे ठीक है और जो है आपको कुछ भी अगर हेल्प चाहिए तो यू कैन कमेंट एनी टाइम ठीक है थैंक यू देन बाय बाय हैव अ नाइस डे ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम